हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी, जय माता दी। ये कब का, एक दिन पहले का है। मैं साड़ी पे फॉल लगा रही हूँ, मुझे ये साड़ी कल पहननी है। नौमी वाले दिन मतलब आठ का है। नीचे मैंने मशीन से कर लेते, ऊपर हाथ से, तो 10 मिनट में मेरी साड़ी रेडी हो जाती है। तो बस फ्री बैठी हुई थी तो मैंने बोला चलो यही कर लेते हैं। साड़ी तीज त्यौहार पर तो अच्छी लगती है। और आप गले में ना, मैंने प्रसाद खाया तो ठसा लग गया बड़ा भयंकर वाला। और आप लोग कहते हो मोटी हो गई मोटी हो गई, पर मुझे तो नहीं लग रहा। देखिए मैं कितनी पतली लग रही हूँ आप लोग बताइएगा, मुझे तो नहीं लगता है। अब बीच में लग रही थी कि हाँ, अब तो देखिए कितनी कितनी नहीं मतलब मीडियम। और गले में ना बहुत तेज से ढस, वो क्या कहते हैं कोई भूखा है पता नहीं क्या, बहुत तगड़ा वाला वो लगा था। तो एक तरफ मशीन में, एक तरफ हाथ से, तो मेरी बहुत जल्दी से लग गई थी। लग नहीं पा रही थी मतलब मन नहीं था। फिर बिना साड़ी के, बिना फॉल के साड़ी पीछे से अजीब सी लगती है, भद्दी दिखती है और उठ भी जाती है, पलट भी जाती है और पेटीकोट ऊंचा ऊंचा सा दिखता है इस वजह से। अच्छा देखिए, चने तो ये सारे काम तो एक दिन पहले ही करने पड़ते हैं। रात को मैं चने भिगो रही हूँ, बर्तन गैस सब साफ़ कर रही हूँ। सुबह सिर्फ मुझे झूठा वो निकालना है बस, और सारा काम मेरा हो गया है। अच्छा ये सुबह हो गई है, नहाना धोना झाड़ू पोछा सब हो गया है। और मैं 5:30 बजे, 5:30 बजे से पाँच बजे उठी थी, 5:30 बोल रही, 5 बजे से पहले उठी थी, 10-20 मिनट पहले थे। 5:30 बजे तक तो मैंने चने उबाल लिए थे और इनके लिए ये जा रहे थे, तो सारा काम कर लिया था। हाँ 5:30 बजे झाड़ू पोंछा सब हो गया था। 5:30 बजे नहा के नीचे आ गई थी, मतलब ऊपर बाथरूम है ना, तो ऊपर नहा के आ गई। 5:30 बजे मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, 5 बजे उठ गई थी, 5 बजे से 10 मिनट पहले। देखिए उधर चने और आलू उबलने रख दिए एक साथ, दूध उबलने के लिए रख दिया। यहाँ पे ये नारियल छील दे रहे हैं। वंशिका उठ गई हैं, सोना सो रही हैं और मैंने उनको उठाया भी नहीं है। फिर 10-5 मिनट उनको लेके बैठो तो इस वजह से। अच्छा ये चले जाएंगे फिर नारियल कौन फोड़ेगा, तो मैंने बोला आप पहले नारियल को वो कर दो, नहीं तो मेरा नारियल रह जाएगा। और गले की आप लोग इग्नोर करिएगा क्योंकि गले में बहुत दर्द हो रहा है, पर वीडियो तो डालना है मुझे, तो बहुत ज़्यादा लग रही है, आंसू आ गए थे आंखों में। तो बस मैया रानी को स्वागत के लिए 5 बजे से लगे हुए हैं। और ये सब काम करने बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। नारियल हमारा छिल गया, इसको काट लेंगे और इसे धो के रख लेंगे प्रसाद के लिए। और इन्होंने अपना काम कर दिया है। वंशिका यहाँ पे बातें कर रही थी, मैंने काट दी थी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। उन्होंने बात 3 मिनट की थी, आजकल उन्हें बात करने का शौक़ है। पर मैं बोलती हूँ अभी तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, और इनको नहीं पसंद है कि ज़्यादा वंशिका मोबाइल में रहे, तो इस वजह से ये रीज़न है। यहाँ पे देखिए नारियल हमारा छिल गया है। नारियल, अगर नारियल का ठसा लग जाए ना बड़ा भयंकर लगता है। अभी मुझे आधा घंटा हो गया, गला सही नहीं हो रहा, तो इतना पानी निकला है नारियल में। और ये इसको धो लेते हैं और चलिए तैयारी करते चलते हैं रसोई घर में। यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर हरी मिर्ची काट ली, थोड़ी सी अदरक काट लूँगी, खीर की तैयारी हो गई है। सॉरी नहीं रुका जा रहा है। तो यहाँ पे फटाफट से देखिए दूध खोल गया, उस तरफ मैंने क्या, हाँ उस तरफ सब्जी के लिए भगोना गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे खीर बन रही है और वो इलायची को कूट ले रही, कूट के इलायची के पाउडर से स्वाद बढ़ जाता है खीर का। और ड्राई फ्रूट अभी मंगा नहीं पाए तो इस वजह से। और मुझे हलवा बनाना है, हलवा थोड़ा बाद में बनाऊंगी जब मैं पूड़ी सेक लूँगी उसके बाद, और चने भी जब भी फ्राई करूँगी, पूड़ी सेक लूँगी ना फिर वो ऑयली रह जाएगी ना, फिर उसी में वो कर लूँगी हलवा, छोटी कढ़ाई में बना लूँगी। और इधर देखिए मेरी खीर रेडी हो गई है, इसमें चीनी डाल दी थी और देखिए अच्छे से चावल और खीर मिक्स हो गए। थोड़ी इस बार की खीर मेरी गाढ़ी हो गई क्योंकि ये रखे मैं आलू छीनने लगी थी, तो थोड़ी सी तो गाढ़ी हो गई और जैसे होती है उस बार से, पर कोई नहीं हो जाता है। यहाँ पर हींग जीरे से आलू टमाटर की सब्ज़ी छोंक दे रही हूँ मैं आलू टमाटर
की सब्ज़ी ना उसमें चने डालती हूँ, क्योंकि चने के बिना हमारे सब्ज़ी नहीं बनती। थोड़े से जो चने फ्राई करते हैं उसमें से ही थोड़े सब्ज़ी में डाल देते हैं। उबले तो होते ही हैं, आलू के साथ उनको उबालते हैं। तो जीरा हमारा भुंज गया था और मैंने डाल दी इसमें मिर्ची और खीर बन गई है। खीर को मैंने ढक दिया है। खाना बहुत जल्दी पहले बन जाता है, बस अभी ये इतने टाइम ना ये 2 दिन कन्याओं को थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। खाना सभी का जल्दी बन गया था और मैं बहुत जल्दी उठी थी यहाँ पे। घर अंदर से लेके बाहर तक झाड़ू लगाना होता है, काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। सारे मसाले डाल दिए, ये सारे पक जाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी जिससे ये मसाले अच्छे से पक जाएँ। और ये देखिए इस तरीके से 2 टमाटर डाले, क्योंकि टमाटर इनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से। और सब खाना मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि शाम को दावत है, अगर हो सका तो वहाँ पे जाया जाएगा, फिर ज़्यादा बनाओ तो कोई मतलब नहीं है। और मैंने खीर भी बनाई और ना मैं सूजी का हलवा भी थोड़ा सा मतलब, पर आपको पता है चने और हलवे के अधूरा होता है, तो थोड़ा सा बनाऊंगी, पर बनाऊंगी कन्याओं को थोड़ा थोड़ा सा आ जाए। कन्याएं तो आपको पता है कितना खाती है, बस वो प्लेटें झूठ बस एक एक और खाती हैं बस, क्योंकि ले जाने वाले चलो, और आप मेरी वीडियो में देखना 2-3 जने हमारे घर के बाहर खड़े हुए थे, जल्दी कर दो आंटी, जल्दी कर दो कि भाभी, जल्दी कर दो, तो बस उन्होंने झूठा ही किया, एक एक कौर खाया था बस, और प्रसाद खा लिया था। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी हो गई है बन के रेडी, और मैंने चने भी थोड़े डाले थे, और बस सब्जी को हटा के साइड से रख देंगे और चलते हैं पूड़ी सेकते हैं। अच्छा, मैंने तेल मेरा गरम हो गया है। सबसे पहले मैंने अठौरी निकाली है, हमारे यहाँ अठौरी निकालते हैं। पूड़ी मैंने पहले से ही बेल के रख ली थी, क्योंकि अकेले करना था, ये चले गए थे काम पे इस वजह से, और फिर सारा कुछ रेडी कर लिया। इसी कढ़ाई में फिर मैं हलवा चना बना लूँगी, क्योंकि पूड़ी फिर उसको धोना पड़ता, और इसके फिर चने के बाद फिर मुझे कुछ करना नहीं है, इसी में रह जाएंगे। ये हमारी छोटी छोटी अठौरी तैयार हो गई हैं, और इधर पूड़ी तैयार हो जाएंगी। बेल के रख लो तो बहुत जल्दी से हो जाती हैं, और वंशिका ने काफ़ी ज़्यादा मेरी मदद कराई है इन चीज़ों में। और 2-2, 3-3 करके मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ। पूड़ियाँ एक भी ऐसे नहीं है, कैमरे में दूर से सफ़ेद दिख रही हैं, लाल पूड़ियाँ हो गई हैं। अभी कैमरे को पास करके मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए ये चिपक गई थी, फिर अभी छूट जाएंगी, तेल में जाते ही सभी पूड़ियाँ छूट जाती है। अभी देखिए यहाँ से देखिए लाल लाल दिख रही है ना, अभी कैमरा में पास, क्योंकि हमारे ये ना लाल पूड़ी खाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद पूड़ी रह जाए तो ये नहीं खाते हैं। तो देखिए मैंने बोला ना लाल पूड़ी हो जाती तभी निकालती हूँ, कैमरे में ये सफ़ेद दिख रही थी दूर से, लाल है ना। और देखिए ये भी कोई सी पूड़ी मैं सफ़ेद नहीं रखती हूँ, लाल तो आ ही जाए। और 2-2, 3-3 करके मैं सेक लेती हूँ, फटाफट से कर लेती हूँ। ये होते थोड़ा सा आलस आता है, देखिए मैंने बोला ना हटते, फिर भी बहुत सारे कमेंट आ जाते, ध्यान नहीं देते हैं। कोशिश करती हूँ सब कुछ परफेक्ट करने की, पर हो ही जाता है, पर कोई नहीं। चलिए देखिए पूड़ी हमारी बढ़िया से बन के हो। हाँ, और गली में से शोर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले कन्या कर ली है, सबके हो रही हैं, तो इस वजह से कि तुम आ जाओ कि तुम आ जाओ। तो पूड़ियाँ सीख गई हैं, यहाँ पे हलवा की तैयारी कर रही हूँ। मैंने इतना बनाया है, घी डाल दिया, इसको अच्छे से भूंज ले रही हूँ, ब्राउन कर ले रही हूँ, और हल्के हल्के हाथों से चलाती जा रही हूँ इसको। बस 2-3 मिनट में हलवा रेडी हो जाता है बन के। और थोड़ा सा मैं ना ज़्यादा पैसे कर लेती हूँ, देखिए चीनी डाल दी है, सफ़ेद सफ़ेद नहीं रहना चाहिए, मेन चीज़ ये है। तो अभी ये देखिए मैंने घी डाल दिया और इलायची पाउडर डाल दी, इलायची पाउडर जो इलायची डाल दी है, छिकल चाय पत्ती में डाल दी। देखिए हलवा दाने दाने दिख रहे हैं ना, अभी पास में दिखा दूंगी अगर हो सका, ध्यान रहा तो। हलवा हमारा रेडी है, देखिए प्लेट में जम जाएगा। तेल निकाल दिया था इस कढ़ाई में, वीडियो फास्ट कर दी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। इसमें मैंने सारे मसाले आपने देखे ऊपर से मैंने डाल दिए थे, बस इसको चटकना, बाकी इसका पानी जल जाएगा। ये एकदम से जैसे प्रसाद होता है उसी तरीके से बन के रेडी होंगे। चने गैस पे रखे हुए हैं, बन रहे हैं हमारे। और यहाँ पे मैं थाली तैयार कर रही हूँ पूजा की, क्योंकि फिर मैं कन्या बिठा दूँ। पूड़ियाँ आप देख सकते हैं डोंगा भर गया है पूरा, गरम है काफ़ी ज़्यादा, गरम गरम थोड़ी खुली खुली कर दी हैं, क्योंकि प्रसाद लेने के बाद इनको दबा दूँगी। यहाँ पे नारियल मैंने धो लिया है, इसको काट लेती हूँ, बतासे मतलब मीठे वाले बतासे उनको कर लेती हूँ, वो हमारे चढ़ते हैं, तो इस वजह से मैंने इस तरीके के पीस कर लिए, काटने में बच्चों को देने में आसानी रहेगी।
और चने को हिलाती जा रही हूँ। देखिए मेरे चने हो गए, चने का सारा पानी सूख गया है और इसमें बतासे थे। और पूड़ी ले ली है, हलवा ले लिया, और कुछ कमी रह गई हो तो बताना, वैसे तो सभी कर लिया है, खीर हलवा चने सब्जी हमारे सब कुछ बोलते सब जितना बना सकते हो मैंने अपना सब कुछ बनाया। हलवा छोटी कढ़ाई में हो गया, चने देखिए आपके सामने, चने का पानी बिल्कुल मतलब जैसे प्रसाद होता ना ऐसे एकदम से ऐसे बना था काफ़ी अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं सारा कुछ, और वहाँ पे मैं छोटे से हवन हमारे यहाँ ग्यारी बोलते हैं उसके लिए कंडे को वैसे कर रही हूँ। और चलिए अब पूजा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से थाली तैयार की है मैंने, सब्जी खीर चना, यहाँ पे मैंने भोग लगाया मैया रानी को, देख सकते हैं। बस मैया रानी से यही विनती है, कोई गलती हुई मुझे माफ़ करें, हम बच्चे हैं होती रहती है, कोशिश की बहुत अच्छा करने की हर कोई करता है तो बस मैंने भी वही की है। ये देखिए यहाँ आज हमारे नवरात्रे पूरे होते हैं 9 दिन के, कल दशहरा है, तो अभी तो त्यौहार ही त्यौहार चलेंगे। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कितने बजे कन्या जिमा ली थी, कितने बजे उठे थे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे पूजा कर ली, अब मैं कन्याओं को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि फिर कन्याएं आ जाती फिर पूजा नहीं हो पाती। मैंने पूजा वगैरह और ज़मीन पर जो भी बैठने के लिए बिछाएं सब कुछ रेडी कर लिए, तब मैं कन्याओं को बुलाने के लिए गई थी। यहाँ पर भोग लग गया है और बस मैया रानी से आशीर्वाद मांग रही थी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो मैया रानी सबके साथ, मेरे साथ ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए कन्याएं आ गई हैं, कन्याओं के मैं पैर धो लूँगी, जितनी आ गई उनको मैंने खाना खिला दिया था, जो नहीं आई हैं उनके घर प्लेट भिजवा दी थी, क्योंकि कितना देर इंतज़ार करती मैं। एक लंगूरा भी है इसमें, वो देख सकते बीच में बैठा हुआ है, और अभी देखना बुलाने वाले आ जाएंगे। तो इस तरीके से रही, मैंने कोशिश की है सब कुछ आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करने की, और फिर आपको पता है वैसे तो सभी कुछ शेयर किया है, हम लोग ब्लॉगर हैं तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे पैर धुल गए हैं और चलिए इनको वो करना स्टार्ट करते हैं, इनको प्लेटें लगाना। प्लेटें मैंने प्लास्टिक की वाली मंगा ली थी, फोम वाली ना इधर से उधर गिर जाती है, और मेरी कुछ प्लेटें रखी हुई भी थी तो वो भी मेरे काम आ गई थी, 7-8 थी तो हो गया था। तो देखिए पैर धो लिए हैं, टीका वगैरह सब कर लिया है, यहाँ पे इनको खाना दे दिया है मैंने, सब कुछ दिए। देखो मैंने बोला ना बुलाने के लिए बैठी हुई, ये देखिए तो बस खाना खाया, खाना क्या बस नाम एक किया, खाना क्या बच्चे आपको पता ही है कन्याएं कैसे आज के दिन खाना खाती है, बस उनको भागने की पड़ी रहती है। उनको क्या, जब हम छोटे थे हम भी ऐसे ही करते थे, अच्छा लगता है, बच्चों को भी ये 2 दिन का इंतज़ार रहता है, गिफ्ट मिलते हैं पैसे मिलते हैं तो अच्छा लगता है। कोई नहीं बस भोग लग जाए मैया रानी का, थोड़ा थोड़ा सब हम जब अब मैया हमको ही देख लीजिए, जब इतने घर खाएंगे तो कैसे खा पाएंगे। बस सब कुछ अच्छे से किया, बच्चों को पूड़ी दे दी, बच्चों ने खा लिया, फिर बच्चों को पैसे दे के कुछ ला नहीं पाई थी मैंने, पैसे दे दिए थे। और देखिए सबको, और केले मंगा लिए थे, केले दे दिए थे। हो गया कन्या जिमा दी और भोग वगैरह सब लगा दिए, दिया अभी भी जल रहा है और टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया मुझे जिमाए हुए, कन्याओं को जिमाना बोलते हैं। बच्चे गए हैं सोना को, मैंने ज़्यादा दूर नहीं, पर पड़ोस में तो देखिए भेजना पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। मैंने 7:30 बजे से पहले कर दी, सुबह से लगी हुई स्वागत में मैया रानी के, तो जल्दी तो हो गई, पर ये था ये ऐसे ही चले गए, पर कोई नहीं इतनी जल्दी कितना भी खींचती नहीं हो पाता। अब घर दिखाती हूँ, ये देखो ऐसे फैला हुआ है पूरा घर, इस तरीके से फैला है। पर अभी आप टाइम लगेगा, पहले मैं चाय पीऊँगी, चाय सर दर्द कर रहा है इस वजह से। और बस साड़ी पहन ली थी ये रेड कलर की, क्योंकि रेड सही रहता है, पिन इन कुछ सही नहीं लगा बस, और बजे काफ़ी दिन सब ऐसे ही लगा था कोई नहीं। और उन दीदी के घर मैंने पहले भेज दिया था क्योंकि उनको काम पे जाना था इस वजह से, और सब ऐसे ही पड़ा है क्योंकि बाहर तक मैं छोड़ के आई थी सोना को, इस वजह से कन्या जिनके घर से लाए तो उनके घर पहुँचाना पड़ता है, चाय से फिर दूसरे लोग ले जाओ, छोटी छोटी बच्ची आती तो उस वजह से। ये देखो इन पे बिठाया था मैंने, धो ली थी कल बेड सीटें, तो कल क्या परसों ही धो ली थी सब, बस गाय को देना, गाय का इंतज़ार कर रहे, वैसे तो रोज़ सुबह आ जाती पर अभी नहीं आई है। तो चलिए नवरात्रे का इंतज़ार कर रहे थे, नवरात्रे आ भी गए और 9 दिन व्रत भी रह लिए, कन्या भी जिमा ली, सब कुछ अच्छे से हो गया। बस मैया रानी अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखे, सब
सब कुछ अच्छे से हो गया है। अब कल दशहरा है और आज शाम को हमारी दावत है, पास में हमारे तरफ के हैं उन इधर से सही आता है उनके लड़का हुआ है भाई के, तो दावत है, तो अभी का खाना तो रखा ही है और शाम को देखते हैं या जाते या नहीं, अगर गए तो थोड़ा सा क्लिप बनाना है। देखो पिनिन कुछ भी नहीं लगता सही, 5:30 बजे उठो तो फिर पिनिन कैसे जल्दी लगेगा, पर कोई नहीं। ये देखो बाल इधर से निकल रहे हैं और ना इधर मेरे इतने सारे बाल उलझ गए, शैम्पू किया था ना तो ऐसे में ही मैंने लगा लिया। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद खा लीजिए, मैं भी जाती हूँ चाय पीती हूँ, सर में दर्द हो रहा है और मेरा रिचार्ज, हाँ मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था तो पास वाले उन्होंने वाईफाई पासवर्ड बता दिया था पर मेरा कैच नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने अभी जस्ट मैंने रिचार्ज कराया है। अब मैं और ये आज नौमी है और ये नौमी का ही ब्लॉग है। सुबह कल से चने वगैरह भिगोने से मैंने स्टार्ट किया था, आप लोग कंफ्यूज हो तो इस वजह से बता दे रही हूँ, और मैं आज ही नौमी को ही डाल दूँ क्योंकि मेरा सारा, मैं जल्दी उठ गई, सभी लोग जल्दी उठ गए थे गली में, जिसके व्रत थे उनके किसी ने उठते बैठते किए थे, उठते बैठते का मतलब समझ रहे होगे, मतलब आगे पीछे के किसी ने 9 दिन के। तो बस चलिए काम सारा हो गया है, मतलब झाड़ू पोछा नहाना सबका सब हो गया है, बस कपड़े थोड़े से धोने और ये सारा समेटना। ये देखो कैसे पड़ा है, सोना वंशिका को रेडी किया है, तो ये सब कर लें, बहुत सारा काम, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी बातें हो गई मेरी बातें, क्योंकि बहुत सारा हम आपको एक एक सेकंड में दिखाते, बहुत काम होता है, पूरे दिन ख़त्म नहीं होता। और मैंने वंशु का सूट काट लिया, वो मशीन रख दी है सिलाई करने के लिए, और देखो वो कपड़े सारे सेट करने। तो चलिए बाय।